बहुत बार लोग परमेश्वर की मर्जी को समझ नहीं पाते और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर वो समझ नहीं पाते। कभी कभी उन्हें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। प्रार्थना का उत्तर ज्यादातर लोगों की जो है समस्या यही है, और वो मैसेजेस करते हैं, पूछते हैं, पास्टर साहब प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, चंगाई क्यों नहीं मिल रही, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। हमने अब तक जितने वीडियो बनाए हैं उनमें से 5% वीडियोज उनमें स्पेशली इसी के बारे में बात की है, प्रार्थना, प्रार्थना का उत्तर और चंगाई, और चंगाई क्यों नहीं हो रही और देरी क्यों हो रही, इस पर हमने बात की। परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। वचन हमें हर बात का जवाब देता है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। हमारी आदत, हम अपने कान की मर्जी के अनुसार सुनना चाहते हैं, कान की खुजली के अनुसार सुनना चाहते हैं, हम जो जैसा चाहते हैं, जो हमारे मन को ठंडक दे दे वैसा चाहते हैं। बहुत सारे लोग वो ऐसा संदेश सुनना चाहते हैं जिसमें सिर्फ ये हो, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीषें, आप भले हो जाएंगे, आप ये हो जाएंगे, आप वो हो जाएंगे। वो चेतावनी और डांट नहीं सुनना चाहते, चेतावनी और डांट सुनना नहीं चाहते, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी उसकी गलतियां उसे निकाल कर बता दिया जाए कि वो कैसी गलतियां कर रहा है, उसमें क्या क्या कमियां हैं। कोई नहीं सुनना चाहता, कोई नहीं सुनना चाहता कि उसकी कमियां क्या है। एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ था, उसका पहाड़ का नाम झालाना डूंगरी, झालाना, और झालाना डूंगरी जो पहाड़ है उस पहाड़ के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा जैसे कि है, देखा है ना सबने, है ना, बगल में ही है ना आपने, ठीक ऐसा एक बहुत खूबसूरत पहाड़ जिसका नाम झालाना डूंगरी, उसके ऊपर 3 पेड़ एक ऐसे कोने पर थे जहाँ से वो बहुत कुछ देख सकते थे। और वो वहाँ से 3 पेड़ अच्छे दोस्त थे, आपस में सुख दुख बांटा करते, अच्छी बातचीत होती। एक दिन तीनों बात करने लगे अपनी प्रार्थनाओं और अभिलाषाओं के बारे में, उनकी आशाओं के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में। एक पेड़ बोला, यार मैं ना जिंदगी में एक खास डब्बा बनना चाहता हूँ, ऐसा डब्बा जिसमें ज्वेलरी बॉक्स जिसे कहा जाता है, जिसमें ज्वेलरी रखी जाए खूबसूरत, जिसमें हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी ऐसे आभूषण रखे जाए, और जब मुझे बनाया जाएगा ना, क्योंकि मैं इतना खूबसूरत लकड़ी का पेड़ हूँ, और जब मुझे बनाया जाएगा तो किनारी पर जो है वो बहुत खूबसूरत जो है नक्काशी की जाएगी, और वहाँ पर जो है पीतल के तांबे के जो हैं वो एजेस लगाए जाएंगे, बहुत खूबसूरत मैं ये बनना चाहता हूँ, और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये हो जाए मेरे लिए। दूसरा पेड़ बोला, बात तो तेरी अच्छी है, अब देख जैसा तू मजबूत है मैं कोई कम मजबूत नहीं हूँ। दूसरा पेड़ बोलता है, जैसा तू मजबूत है मैं कोई कम मजबूत नहीं हूँ, मैं भी बहुत मजबूत हूँ, और मैं मेरी इस ताकत के साथ मैं चाहता हूँ कि मैं एक ऐसे कारपेंटर के पास जाऊँ कि मैं जहाज के लिए इस्तेमाल किए जाऊँ, मेरी ताकत से मैं इतना मजबूत जहाज बनूँ कि जिसमें राजा रानी बैठे और जिनको मैं एक शहर से दूसरे शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य और दूर दूर तक समुद्र में मैं लेकर जाऊं उनको, क्योंकि मैं मजबूत हूं, ताकतवर हूं, इतना खूबसूरत पेड़। तीसरा बोला, आप लोगों की बात मुझे पसंद आई, वाकई में अच्छी बात है, प्रभु करे आपके लिए ऐसा ही हो, आमीन। तीसरा पेड़ बोलता है कि आपके लिए आशीष हो। तो इन दोनों ने पूछा, हमने अपनी योजनाएं बताई, हम क्या बनना चाहते हैं वो बताया, तुमने नहीं बताया। तो तीसरा पेड़ हंसकर बोला, अच्छी बात है, अच्छा है आपने पूछा, मुझे अच्छा लगा, चलो वो आपने पूछा ही है तो मैं कुछ बताता हूँ अपने बारे में। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, आप जानते हो कि मैं कितना मजबूत हूँ, मैं भी मजबूत हूँ आपके जैसा, और मैं चाहता हूँ कि मैं यहीं खड़ा रहूँ और इतना लंबा चौड़ा और विशाल हो जाऊँ कि समझो कि स्वर्ग से बातें करता हो, मेरी डालियाँ मेरे पत्ते ऐसे हो जो लोगों को आराम देने वाले हो, लोग उस पर झूले लटकाएं, लोग उस पर नाच करें, और ऐसा बनना चाहता हूं कि पृथ्वी के छोर तक मुझे लोग याद करें। ये दो बोले, भाई तेरे तो ख्याल जो है बहुत ऊंचे हैं भाई, ईश्वर करे तेरे लिए ऐसा ही हो, यीशु के नाम में आमीन। क्या उसने यीशु के नाम में आमीन बोला होगा? नहीं, फिलहाल तो नहीं, मैं ये मेरी तरफ से बोल रहा हूं। यू नो व्हाट, कुछ सालों के बीतने के बाद वहाँ पर लक्कड़हारे आते हैं और वो पेड़ ढूंढते हैं कौन सा पेड़ काटा जाए। तो पहले पेड़ के पास आकर एक लक्कड़हारा आकर बोलता है, ये पेड़ बहुत मजबूत है, इसे कुछ अच्छा जो है बर्तन बनना चाहिए, अच्छी चीज़ बननी चाहिए, मैं इसे एक कारपेंटर को बेचूँगा ले जाकर, और मुझे आशा है कि वह बहुत अच्छा बनाएगा इसे। ये पेड़ खुश, बोले कि मेरी डेस्टिनेशन
माय प्रेयर आर बीइंग आंसर्ड, मेरी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है, मुझे सही जगह पर जाना है और मैं सही जगह पर भेजा जाऊंगा। और लकड़हारा उसे काट कर ले गया और उसने उसे एक कारपेंटर को बेचा। कारपेंटर ने उसे सही तरीके से तैयार किया और उसका जो है एक चरनी बना दी। चरनी, चरनी मालूम है ना आपको, जिसमें जानवर घास भूसा खाते हैं, एक चरनी बना दी। धन्यवाद, धन्यवाद यहोवा परमेश्वर को कि मेरी आशाएं पूरी हुई, मैं जहाज बनने के लिए जा रहा हूँ और मैं राजाओं को घुमाऊंगा। ये काटा गया, जहाज बनाने वाले के पास पहुंचाया गया और फिर ये पेड़ जहाज तो बना, लेकिन छोटा जहाज बना जिसमें कुछ थोड़े से लोग मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं। ये सोचता था कि मैं बहुत बड़ा जहाज बनूंगा और इसकी आशा टूट गई। इसकी प्रार्थना का उत्तर उसे लगा नहीं मिला और वो निराश हो गया। लेकिन तीसरा और आखिरी पेड़, सोचो उसका क्या हुआ होगा। एक और लकड़हारा आया, उसे भी काट डाला और लकड़हारे ने बोला, मेरे पास कोई प्लान तो नहीं है कि मैं इस पेड़ का करूँगा क्या, पर मैं फिलहाल इसे काट कर ले जा रहा हूँ और इसे रखूँगा और देखूँगा कि कब कोई ज़रूरत पड़े मुझे, मेरे पास कोई आइडिया हो इसके लिए और तब मैं इसे इस्तेमाल करूँगा। लकड़हारा उसे काट कर ले गया। कई सालों तक ये लकड़ी जो है पड़ी रही, इस्तेमाल नहीं की गई, अंधकार में पड़ी रही, कुछ भी उसे काम नहीं दिया गया, कोई काम में उसे लिया नहीं। ये चाहता था कि मैं एक ऐसा पेड़ बनूँ जो हमेशा के लिए खड़ा रहे और लोग मुझे देखें, मुझे पहचाने और मैं इतना ऊंचा हो जाऊं कि समझो कि स्वर्ग जो है उसके नज़दीक पहुंच गया हूं। ये पेड़ ये चाहता था। क्या तीनों की इच्छाएं पूरी हुई? क्या कभी आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको नहीं मिलता हो? आपने जो योजनाएं बनाई हैं कि प्रभु में विश्वास में आया हूं तो मेरे लिए वो योजनाएं पूरी हों, मेरे लिए ये बातें पूरी हों, मेरे लिए ऐसा हो, मेरे परिवार के लिए ऐसा हो, मेरे उन बातों के लिए ऐसा हो। आपकी प्रार्थनाएं होती हैं, आपके विचार होते हैं, आपके परिवार में, आपके जीवन में ऐसा होता है? आई एम श्योर ऐसी बातें बहुतों के साथ हैं, पर कुछ बातें अंगीकार करते हैं, कुछ ना करते हैं और कुछ इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो बोलूँगा कहीं ऐसा ना हो कि उल्टा पड़ जाए। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली हैपेंड देयर। और फिर कुछ सालों के बाद ऐसा होता है कि एक गर्भवती स्त्री, उसे जच्चा की पीड़ा होती है, उसका हस्बैंड जगह जगह लोगों के घर खटखटा रहा है, खोलिए प्लीज़ मदद कीजिए, प्लीज़ मदद कीजिए, मेरी पत्नी को जच्चा की पीड़ा हो रही है, मुझे एक जगह दे दीजिए ताकि उसका प्रसव हो सके, वो बच्चा जन्म सके। किसी ने उसकी मदद नहीं की। गर्भवती महिला जो प्रसव पीड़ा से परेशान है, जिसे कोई रुकने की जगह थी, वो लोगों से मांगता रहा, लोगों से बोलता रहा, कोई जगह नहीं मिली और फाइनली वो कहाँ पहुँचता है? एक तबेले में पहुँचता है जहाँ पर जानवर खाना खाते हैं, जहाँ जानवर बांधे जाते हैं और वहाँ पर वो स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा उसी चरनी में रखा जाता है जो चरनी उस पहले पेड़ से बनाई गई थी, जो ये पेड़ ये कहता था कि मैं जो है ट्रेजर यानी खजाने का रखने वाला बॉक्स बनना चाहता हूँ। फाइनली वो इस बात को देख के खुश हो गया कि चलो मैं सिर्फ जानवरों को खिलाने के लिए एक चरनी नहीं, परंतु इतने खास व्यक्ति के जन्म के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली चरनी तो बना कम से कम। हालेलुया। क्या उसकी अभिलाषाएं पूरी हुई? ये यीशु मसीह है जिसका जन्म हुआ है। एक तबेला समझ लीजिए, जिस जानवर जिसमें खाया करते थे वो चरनी में, उस चरनी में रखा गया उसको। तो ये पेड़ खुश हो गया, बोले कम से कम, हाँ जी देरी से हुई लेकिन उसकी इच्छा पूरी हुई। हालेलुया। सोचिए दूसरे पेड़ का क्या हुआ होगा। दूसरा पेड़ आपको पता है, एक जहाज बन गया था, छोटा सा जहाज, एक बोट, ऐसी बोट जो कि मछलियां पकड़ने के लिए जाती। एक दिन अचानक ऐसा होता है, उसके कुछ साल बाद कुछ लोग 12-13 लोग जो हैं इस नाव में आकर बैठते हैं और ये नाव जो है चलने लगती है और तभी एक व्यक्ति जो है उनमें से नींद के कारण सो जाता है और बाकी सारे लोग, बाकी 12 लोग जग रहे हैं और तभी आंधी और तूफान आता है और इस आंधी और तूफान में लोग घबरा जाते हैं और ये जहाज भी घबरा जाता है। वो लकड़ी की मैं टूटा है, मैं शायद संभाल नहीं पाऊंगा, लेकिन इसने अपनी पूरी मजबूती दिखाई और इसने कहा कि मेरा काम है लोगों को सुरक्षित रखना। इसने पूरी मजबूती के साथ अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश की, सब लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश की। तभी 12 लोगों में से एक आता है और उसको जगाता है, गुरु गुरु हम मरे जाते हैं, क्या तुझे कोई चिंता नहीं है? यीशु खड़ा होता है और कहता है शांत हो जा, और सारा तूफान आंधी सब कुछ शांत हो जाता है, इस पेड़ को शांति मिलती है।
बोले कि सच में मैं ऐसा जहाज बन गया जो राजाओं का भी राजा मुझ में आकर बैठा है और वो मुझे लेकर जा रहा है। हालेलुया। बोलो इसकी इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई? कम से कम 30-35 साल लग गया ना, लग गए ना, इसकी इच्छा पूरी हुई। व्हाट अबाउट द थर्ड वन, तीसरे पेड़ का क्या हुआ? सोचिए क्या हुआ होगा तीसरे पेड़ का। वो तो अभी अंधकार में पड़ा है, वो अभी किसी चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो बरसों से इंतजार कर रहा है कि उसे भी किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। उसकी इच्छा थी कि मैं इतना लंबा चौड़ा तगड़ा और इतना बड़ा पेड़ बन जाऊं कि पूरी दुनिया मुझे पृथ्वी के छोर तक याद रखे और मेरा वर्चस्व और इतना ऊंचा हो जाऊं कि स्वर्ग तक पहुंच जाऊं। पर यह तो काट डाला गया है, इसकी इच्छाएं कैसे पूरी होगी? और उसी के करीब 1.5 से 2 साल, 2.5 साल के बाद जब समय आया तब इसे पता नहीं था, अचानक एक दरवाज़ा खुला और इसे बाहर निकाला गया और इससे जो है क्रूस बनाया गया। इसे समझ नहीं आया कि क्या बन रहा है, मैं नहीं जानता कि क्या बन रहा है, कम से कम कोई अच्छी चीज़ तो बनता, ये क्या बनाया है, ये किसी काम की वस्तु नहीं नज़र आती, ये किस काम आएगा? उसकी निराशाएं थी, उसके पास बहुत सारे सवाल थे, वो कुछ बोलना नहीं चाहता था, कुछ सोचना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास बहुत सारे सवाल थे। और तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति जिसके शरीर से चारों तरफ से खून ही खून बह रहा है, जिसे लोग बुरा भला बोल रहे हैं, जिसकी लोग बेइज्जती कर रहे हैं, वो व्यक्ति को दिया जा रहा हूं मैं, उसके हाथों में सौंपा जा रहा हूं और वो मुझे खींच कर ले जा रहा है। और वो इतना घायल था कि वो उसे खींच कर भी ना ले जा सका। और फिर किसी और को उसकी मदद के लिए बुलाया गया और एक ऐसी पहाड़ी पर, ठीक ऐसी जो झालाना डूंगरी है, गुलगुता पहाड़ी भी ठीक ऐसी ही है, गुलगुता पहाड़ी पर जो है एक जगह पर उसे लगा दिया गया और सबसे ऊंचा। वो थोड़ी देर तो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसके बाद उसे सब समझ में आया। जब यीशु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जब जी उठा, तब उसे समझ में आया कि वाकई में मैं आज पूरी दुनिया के लिए यादगार वस्तु बन गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। समटाइम आवर प्रेयर्स आर नॉट आंसर्ड, कभी कभी हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिला, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, तुझ पर ध्यान लगाया और तुझे जाति जातियों का भविष्य रखता करके ठहराया। कुछ को 40 साल में बुलाया, कुछ को 15 साल में बुलाया और कुछ को 60 साल में विश्वास में बुलाया। कब किसको बुलाता है परमेश्वर, कब किसके साथ किस तरह की योजना बनाता है परमेश्वर जानता है। मूसा को 40 साल उसने फिरौन के पास सिखाया और 40 साल भेड़ बकरियों के साथ सिखाया और उसके बाद 40 साल अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल किया। गॉड हैज़ प्लान एंड पर्पस फॉर एवरीथिंग, परमेश्वर के पास हर एक के लिए योजना है, आपके लिए योजना है, मेरे लिए योजना है, इन तीनों पेड़ों के लिए भी योजना है। इनकी प्रार्थना सुनी गई, इन्होंने सही बात मांगी और सही बात उनके लिए की गई, एक समय सभी चीजों का रखा गया है। मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ निकालें यर्मिया की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, 11 से लेकर मैं पढ़ूंगा आपके लिए 14 तक। लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारे विषय में जो मैंने कल्पनाएं की हैं, जो बातें, जो विचार मैंने तुम्हारे बारे में किया है उन्हें मैं जानता हूं। इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने एक भली योजनाओं को तैयार किया। आपको क्या लगता है, वचन जब आप पढ़ेंगे तब इस बात को देखेंगे, परमेश्वर जो है लाल समुद्र के सामने ले गया, वैसे तो वो दूर कहीं और से जा सकते थे, लेकिन पलिश्तियों के कारण परमेश्वर जो है, ऐसा ना हो कि लड़ाई यहाँ हो जाए और आपस में लड़ें और जिसके कारण किसी को नुकसान हो, परमेश्वर किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था और अपनी महिमा करना चाहता था, इसलिए वो लाल समुद्र के रास्ते लेके गया, ऐसा जगह जहाँ कोई रास्ता ही नहीं था। लोग घबरा गए, कुड़कुड़ाने लगे, विरोध करने लगे, मूसा के विरुद्ध बोलने लगे, क्या मिस्र में मरने की जगह कम थी जो तू हमको यहाँ मरने के लिए ले आया है? अब मिस्री आते हैं और वो हमको मिस्री बनाकर पीस डालेंगे, मार डालेंगे हमको। वो कुड़कुड़ाए, वो विरोध करते थे, वो उसके विरुद्ध बोले, परमेश्वर के विरुद्ध बोले, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उनके लिए भलाई के मार्ग खोले। नामुमकिन को मुमकिन करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। उन्होंने केवल उसी की सुरक्षा नहीं की, जो अभी भजन संहिता आपने पढ़ा था, केवल उन्हीं की सुरक्षा नहीं की परंतु शत्रुओं को भी नाश कर डाला। हालेलुया। गॉड लव्स यू, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपके स्थान को जानता है, आपके लिए उसके पास भली योजना है। जब वो अपनी भली योजना आपके लिए रखता है, आपके विरुद्ध उठने वाली हर एक बुरी युक्ति को नाश करने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने आप सबके लिए एक योजना बना के रखी है,
इसलिए आज आप जीवित हैं। कितने ऐसे मौके आए जब मृत्यु आपके पास से होकर गुजरी है, परमेश्वर ने आपको बचा कर रखा है। इन तीनों पेड़ों की कहानी सोचिए, इन तीनों पेड़ों के बारे में सोचिए, इनकी प्रार्थनाओं के बारे में सोचिए। क्या उन्होंने जैसा सोचा था वैसा हुआ? अच्छी बात यह है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। नहीं तो कुछ लोग अपनी ही मन की धूर्तता के कारण वो ये कहता कि नहीं, मुझे तो ऐसा पात्र बनना चाहिए था जिसके अंदर सोना चांदी और जिसमें जो है हीरे जवाहरात रखे जाएं, जिसमें महंगे आभूषण रखे जाएं, मुझे ऐसा पात्र बनना था। अच्छी बात यह है कि उसने इस बात को जान लिया, उन सबसे भी बड़ा ट्रेजर, ट्रेजर ऑफ दिस वर्ल्ड, ट्रेजर ऑफ दिस यूनिवर्स वॉज केम इन टू दैट मेंजर, उस खाने की जो चरनी में, चरनी के अंदर उस सबसे भी बड़ा उसके पास आया। हालेलुया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। आज भी जो हम राजस्थान में हमारे यहाँ पर जो जो किले हैं, राजा महाराजाओं की जो वस्त्र जिनमें रखे जाते थे, पहले अलमारियाँ तो होती नहीं थी ऐसे ऐसे कपड़े रखने के लिए, संदूक रखते थे, बड़े बड़े संदूक, ऐसे ऐसे संदूक जो सिर्फ हाथियों से खींचते थे, है ना, उसे आदमी सरका नहीं सकते थे। देखे ना, अभी भी पड़े हैं, आपने देखे हो तो, ऐसे ऐसे संदूकों में कपड़े रखे जाते थे और कपड़े भी सिर्फ खास लोगों के पास होते थे, बाकी सबके पास जो पहन लिया वही धो धो के पहनते थे। ऐसा ही होता था कि नहीं होता था? ध्यान से सुनिए इस बात को, समझिए इस बात को कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में किस रीति से बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, 11 वचन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा मैं पूरी करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा जो तुम्हारी आशा है। बहुत सारी अभिलाषाएं और बहुत सारी बातें हैं। सब उपदेशक कहता है कि बड़े बड़े काम करना और ढेर सारा धन कमाना हवा को पकड़ने जैसा है, और अगर कमा भी लिया या कर भी लिया तो क्या फायदा होगा? सोच लीजिए किसी व्यक्ति के पास जो है उसकी संपत्ति जो है, और बहुत बड़ी संपत्ति उसने बेच ली और बेच कर जो है उसके पास आज 1 करोड़ रुपए है, और अगले पल उसकी मृत्यु हो जाती है, बोलिए क्या होगा? किसी का नहीं रहा, क्या हुआ उस पैसे का? हम सब जानते हैं, ऐसी बातें सुनते सुनते हम बड़े हो गए हैं कि कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यहीं धरा रह जाएगा। मेरे प्रियो, हमने जो भी कुछ कमाया, जो भी काम किया, जो बड़े बड़े काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करते हैं, जो जिनके बड़े बड़े नाम हैं, उनके सारे नाम काम धरे रह जाते हैं, दैट्स ऑल। आप किसी मरने वाले व्यक्ति के पीछे उसकी तारीफ करते जाइए या उसकी बुराई करते जाइए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई जीवित व्यक्ति है, आप उसके सामने उसकी तारीफ करेंगे तो वो आप बदले में आपके लिए कुछ कर सकता है, वो धन्यवाद दे सकता है। अगर आप उसकी बुराई करेंगे तो बदले में वो आपका सामना कर सकता है। लेकिन किसी मुर्दे व्यक्ति के सामने तारीफ करें या बुराई करें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मुर्दा है, जो था वो चला गया, बीत गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपसे ये कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वो लाभ ही की हैं, हानि की नहीं है। तुम्हारे जीवन के लिए हर एक योजना जो मैंने बनाई है वो लाभ है तुम्हारे लिए। हालेलुया। जो घटना घट रही है उस घटना में परमेश्वर आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। और आगे देखो लिखा है, मैं यहाँ पर पढ़ूंगा इसके लिए, 12 वचन में लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुसीबत में, तकलीफों में, चिंताओं में, बोझों में जब आकर मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा। वो गीत याद है आपको, विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहाने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। जो भी कुछ होगा उसी से पूरा होगा, उसी के वचन से होगा, हर बात उसी के द्वारा होगी, क्योंकि वो विनती सुनने वाला है, आंसुओं को निहारने वाला, देखने वाला है, मेरे आंसुओं को पहुंचने वाला है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, क्योंकि वो प्यार करता है, वो हमारी चिंता करता है, हमारे बोझों को, हमारी परिस्थितियों को अपने हाथों में लेता है। हालेलुया। एंड इसके आगे देखिए क्या लिखा है, 13 पद में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाला है उन्हें तुम्हें इकट्ठा करके उस स्थान में फिर लौटा ले आऊंगा,
जहां मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था, यहोवा की यह वाणी है। हर परिस्थिति, हर बात जो भी है, जैसा भी है, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा जो मैंने तुम्हारे लिए वादा किया था, जो तुम्हारे लिए वाचा बांधी है। परमेश्वर प्यार करता है मेरे प्रियो, अपनी परिस्थितियों को, अपनी चीज़ों को और अपने बोझों को, आपकी प्रार्थनाओं के हर बात को परमेश्वर के सामने रखो और अपनी इस आशा को मजबूती से पकड़े रखो और देखो परमेश्वर के हाथ को। वो न कभी छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। बिकॉज ही इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, वो सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर है। वो प्यार करता है, वो देखता है। आओ उसे निराश ना करें, उसे पूरी आशा में रखें, उसके सामने अपने आप को नम्रता और दीनता से रखें और जो भी कुछ है उसे स्वीकार करें धीरज के साथ और देखो परमेश्वर के अद्भुत कामों को। वचन कहता है तो धनवान होने के लिए अधिक परिश्रम ना करना। मैं यहोवा हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा। प्रभु ने यह आशीष वचन किसको देने के लिए बोला, बोलिए। हाँ जी, मुझे एग्जैक्टली मुझे। पुराने नियम में देखा जाए तो परमेश्वर ने आशीष किसको दिए, इज़राइल को, है ना। अब्राहम, इसहाक, मूसा, याकूब, ये सब इज़राइली, और आप और हम वही इज़राइली, विश्वास के संतान, है ना। इज़राइलियों को परमेश्वर ने आशीषों से भर दिया है। लेकिन अगर इज़राइल ने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, परमेश्वर को निराश किया, तो वो परमेश्वर की ओर से ताड़ना को भी पाएंगे। थैंक टू द लॉर्ड कि आज ये समय नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने बलवा करें, उसका विरोध करें। यहाँ जितने बैठे हैं वे सब यीशु के सामने, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के सामने अपने आप को पवित्र करके भावता और बलिदान करके चढ़ाओ और देखो यहोवा की आशीष आपके लिए है कि नहीं। हालेलुया, प्रभु आपको फलवंत और बलवंत करें। मेरे प्रियो, आपके जीवन के बहुत से मसले रहे होंगे या हों भी, भरोसा रखो कि प्रभु आपको खड़ा करेगा और बहुतायत से खड़ा करेगा। हालेलुया, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। और अब बाइबल स्टडी कीजिए, कभी भी और कहीं भी, विजनरी टीवी और रेडियो पर।